नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय आर्य दर्शक से। आज हमारे पास जर्मन शेफर्ड और गोल्डन रिट्रीवर का दो पप है और ये दोनों पपी जा रहा है सिवान। और अभी आप स्क्रीनशॉट स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, तो कस्टमर ये एडवांस किया है और ये डिलीवर होने जा रहा है सिवान। सिवान कहीं किसी अगल बगल के इलाके में। अभी पहले आप जर्मन शेफर्ड की क्वालिटी देख रहे हैं। ये जर्मन शेफर्ड जा रहा है मेल, इधर आ बेटा, तो ये जर्मन शेफर्ड का मेल है जो कि सिवान डिलीवर होने वाला है। और एक रिट्रीवर का मेल है, ये दोनों सिवान आज जाएंगे। तो ये बच्चा है, तो सर को फोटो वीडियो किया था और उसके बाद उन्होंने एडवांस करा। सर ने एडवांस किया था सुबह ही। आज आपको स्क्रीनशॉट में टाइमिंग वगैरह भी दिख जाएगा। और उन्होंने ये दो बच्चे बुक करे हैं, एक ये है आपका गोल्डन रिट्रीवर का और दूसरा अपना जर्मन शेफर्ड है। ये दोनों आपका 45 डेज ओल्ड पपी है, तो दोनों 45 दिन के आसपास का है। अभी सर का विचार है दोनों टाइप के डॉग को रखने के लिए। ये दोनों अपने घर के लिए बढ़िया हो, अपने होते हैं, आप घर पे आराम से रख सकते हैं इन दोनों डॉग ब्रीड को, जिसमें से आपका गोल्डन रिट्रीवर काफी फ्रेंडली होता है। मतलब समझ लीजिए एज अ कॉल बेल, इंटरटेनमेंट पर्पज के लिए बहुत ही बेस्ट डॉग ब्रीड है। अरे दोनों लड़ना चालू होके वायलेंस हो रहा है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तो ये घर के लिए बहुत ही अच्छे डॉग ब्रीड होते हैं जो कि आपको एंटरटेनमेंट दिन भर देते रहेंगे। और ऐसे भी आपने एंटरटेनमेंट मूवी में जो डॉग ब्रीड देखा था वो है गोल्डन रिट्रीवर, जो कि हमारे पास है। और जो जर्मन शेफर्ड है वो बहुत ही अच्छा गार्ड डॉग होता है, तो आप गार्ड डॉग के तौर पे आप जर्मन शेफर्ड को रख सकते हैं। आपके गार्डिंग पर्पस से, घर के सिक्योरिटी पर्पस से बेटर डॉग ब्रीड है। तो आप अगर घर में गार्ड डॉग चाहते हैं तो आप जर्मन शेफर्ड को ले। और अगर आप एंटरटेनमेंट पर्पस से लेना चाहते हैं, किसी को हार्म ना कभी पहुंचाए गलती से भी, तो वो आप गोल्डन रिट्रीवर ले सकते हैं। तो ये दोनों डॉग ब्रीड आपको हर तरह के माहौल में ढलने के लिए काफी है, तो आप रख सकते हैं। बाकी अभी कस्टमर का डिमांड था कि उनको दोनों ही चाहिए थे, तो मैं यहाँ से वहाँ दोनों ही भेज रहा हूँ। बाकी वहाँ अपडेट आपको वहाँ पहुँचने के बाद मिलेगा, कस्टमर की क्या रिव्यू होती है, कस्टमर के अगर मतलब संतुष्ट होते हैं नहीं होते हैं, वो सारा कुछ देखने के लिए मिलेगा। उनके लिए कुछ सामान भी जा रहा है, तो अभी थैले में पैक है उनका सामान, खाने पीने का सामान है, दवा वगैरह है उसमें, तो सारा कुछ जा रहा है। तो ये सारा कुछ सामान वगैरह उनको भेजा जा रहा है। चलिए बाकी भी सिवान जा करके जो अपडेट होता है वो मिलेगा। मैं नहीं जा रहा हूँ, यहाँ से एक बंदा जा रहा है, तो संतोष, तो वही जा करके वहाँ जाकर डिलीवर करेंगे। तो आगे की वीडियो में आप लोग वहाँ मिलेंगे। तो अभी ये दोनों बच्चा जा रहा है सिवान। सिवान ना, सिवान कहाँ पे? मलमलिया। ये दोनों बच्चा अभी डिलीवर हुआ है मलमलिया बाजार होता है सर ना। सर ने अभी डिलीवर करवाया है अपने के यहाँ और जो अभी पहुंचा है सर। और मेरे चैनल के बारे में कुछ, क्या बच्चा कैसा लगा आपको? बच्चा तो क्वालिटी बढ़िया है, कोट बढ़िया है, एक नंबर है। मैं तो चैनल देखकर ही लिया हूँ। हाँ सर, चैनल के बारे में कुछ? चैनल बहुत अच्छा है, जो भी दिखाते हैं कोई सर, वहाँ से जो दिखाया जाएगा वही मिलेगा। वहाँ से बच्चा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए सर, वो सब चीज के लिए 100% लेना चाहिए। सर के पास अभी हम डिलीवर किए हैं जो अभी पहुंचा है बच्चा सिवान, सिवान के मलवलिया बाजार में, जो सर अभी अपने पास कैरी करके इस तरह से सर के पास वो डिलीवर होगा। सर पहले पास, सर पहले से कुछ रखे हुए थे क्या आप? हाँ, मेरे पास पहले से जर्मन से बड़े दो, एक मेल है, फीमेल। डिलीवरी का कैसा अनुभव रहा सर? आप एडवांस पहले किए थे? बेस्ट, मैंने एडवांस दिया। पेमेंट क्या, पेमेंट का क्या प्रोसेस था सर आपका? मैंने तो पहले एडवांस दिया था 5,000, उसके बाद पेमेंट देने के बाद ही।